हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम जिस सीड्स के बारे में बात कर रहे हैं वो उसको हम मिरेकल सीड्स के तौर पे जाने जाते हैं, बिकॉज ये वुमेन के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। स्पेशली वुमेन्स को इनको स्पेशल लेना चाहिए अपनी डाइट में। बहुत सारी फॉर्म में आप उसको ले सकते हो। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको हॉर्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है तो आप अपनी डाइट में इसको ज़रूर लें। वेट लॉस, फैट लॉस अगर आप करना चाहते हैं तो भी इसको अपनी डाइट में ज़रूर लें। आपकी अगर हॉर्मोन्स जो है इम्बैलेंस होने की वजह से आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो अपनी डाइट में इसको ले सकते हो। पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो भी आप अपनी डाइट में इसको ले सकते हो। मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से तो भी अपनी डाइट में इसको इस्तेमाल करें। वुमेंस के लिए एक वरदान के रूप में कह सकते हैं सीड्स को। वुमेंस के लिए लेना बहुत अच्छे होते हैं ये सीड्स, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं हेलिम सीड्स, या फिर उसको एलिव सीड्स भी बोला जाता है, या इसको हम गार्डन क्रिस सीड्स भी बोलते हैं। इजिली अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपको ना मिले तो आप लोग इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। इसके अलावा ये फ्लैक्स सीड्स की तरह दिखते हैं, ज़रूर हैं बट होते नहीं हैं। बट मेक श्योर इसकी क्वान्टिटी जो है वो आपको एक सुफिशेंट क्वान्टिटी लेनी होती है, बिकॉज जैसे मैंने बताया उसकी तहसील जो है वो गर्म होती है। ओके, सो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें हेलिम सीड्स के बारे में तो 12 ग्राम हेलिम सीड्स मीन्स 1 टेबलस्पून हेलिम सीड्स में कैलोरीज जो होती है 55 होती हैं। कार्ब्स जो है वो 4 ग्राम्स है, प्रोटीन जो है वो 3 ग्राम है, फैट उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है 2.9 ग्राम एंड फाइबर उसमें देखो तो 0.9 ग्राम पाया जाता है। हेलिम सीड्स जो होते हैं फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, कैल्शियम का गुड सोर्स होते हैं। जिन लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कैल्शियम के लिए क्या लें, मिल्क ही सोर्स है, तो हेलिम सीड्स आप अपनी डाइट में रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हो। आयरन की डेफिशिएंसी है तो भी आप इसको लें। प्रोटीन इसमें गुड अमाउंट में पाया जाता है, उसके अलावा डाइट्री फाइबर बहुत अच्छे अमाउंट में है, और भी इसके लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। गार्डन क्रिस सीड्स मीन्स हेलिम सीड्स जो होते हैं गुड सोर्स, एक्सेलेंट सोर्स है अल्फा लिनोनिकल एसिड का। ओके, सो इसका मीनिंग ये है कि इसमें काफ़ी अमाउंट में हमारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अल्टरनेटिव सोर्स है ओमेगा 3 का, और उसके अलावा इसमें काफ़ी अमाउंट तक एंटीऑक्सीडेंट रिच ये माने जाते हैं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का गुड सोर्स है ये। इसके अलावा ये जिन लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी है वो ले, काफ़ी सारी मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिन लोगों के पीरियड्स इरेगुलर हैं वो अपनी डाइट में इसको ले सकते हैं। अगर आपका डाइजेशन का इशू है तो भी आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर लें। आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जिन लोगों को इनडाइजेशन के इश्यूज रहते हैं, डाइजेशन फूड डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता तो भी आप अपनी डाइट में इसको लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट का काम करते हैं। अगर आपको सांस के रिगार्डिंग, रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है तो भी इसको डाइट में ज़रूर ऐड ऑन करें। स्किन के रिगार्डिंग अगर किसी को इशू है तो भी आप अपनी डाइट में इसको ले सकते हो, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारी लेडीज़ का हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो भी अपनी डाइट में अगर इसको लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। पोस्ट प्रेगनेंसी इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन करें। जो अब ब्रेस्ट फीडिंग ममाज होती है अगर वो उसको डाइट में लेती हैं तो आपका मिल्क का फ्लो बहुत अच्छे से आता है, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। बट मेक श्योर प्रेग्नेंट वुमेन को ये कंज्यूम नहीं करने हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया इसकी तहसील बहुत गर्म है। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपके फैट लॉस में बहुत हेल्प करते हैं, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर किसी को गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है तो अभी अपनी डाइट में इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद अगर आपको सेक्स के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है तो अभी उन लोगों को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन करना चाहिए, आपकी सेक्स हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करेंगे। आयरन डेफिशिएंसी है तो भी अपनी डाइट में जरूर ले। कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो भी इसको पूरा जरूर करेगा। इसमें विटामिन सी कुछ अमाउंट में पाया जाता है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम में विटामिन ए है, फॉलेट है, विटामिन ई है। सो इसके इतने सारे बेनिफिट है तो अपनी डाइट में आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। मेमोरी बूस्टर बहुत अच्छे से, कुछ लोगों की बहुत यादाश्त कमजोर होती है तो अपनी डाइट में आप उनको ले सकते हो, उनके लिए लेने ये बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा आप किन किन चीज़ों में उनको ऐड ऑन कर सकते हो, आप उन्हें खीर में ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे हम शिया सीड्स का एक डिटॉक्स वाटर बनाते हैं तो आप उसमें, वैसे ही आप हेलिम सीड्स का एक डिटॉक्स वाटर बना सकते हो, उसको अपनी डाइट में ले सकते हो। बहुत सारे लोग उसको दाल के ऊपर रोस्ट करके सीड्स को दाल के ऊपर भी डालते हैं, अपने सैलड्स के ऊपर भी डालते हैं, तो आप उनको इन वे से भी अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हो। सो आप डिफरेंट डिफरेंट वे से अपने स्मूदीज में भी ऐड कर सकते हो, इसका डिटॉक्स वाटर भी ले सकते हो। इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है,
इसको आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम नहीं करना है। अगर आप बिगनर हो, अगर आपने अभी तक हेलिम सीड्स को अपनी डाइट में नहीं लिया है, तो क्वांटिटी आप इसकी रखोगे 1/4 टीस्पून। ओके, अगर उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो 1/2 टीस्पून ही आप लें, बट उससे ज़्यादा ना लें, बिकॉज उससे ज़्यादा लेने के आपको नुकसान भी हो सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो वुमेंस होती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, अगर हम लोग आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हो, ऑब्वियसली देने भी चाहिए, तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आप इसके लड्डू बना सकते हो। कोकोनट में एलिव सीड्स को मिक्स करके आप उसके लड्डू बना सकते हो, बहुत अच्छे होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हमारे शीयरसेस पूरे फूल जाते हैं, वैसे ही ये फूल जाते हैं, तो आप उसको 1 टीस्पून आप उसका डिटॉक्स वाटर में इस्तेमाल करें, उसकी खीर बनाएं, तो और भी उसके बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, यूट्यूब पर आप चेक कर सकते हो, बहुत सारी रेसिपीज़ मेंशन है, तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको थायराइड है तो आप इसको इस्तेमाल ना करें। PCOS है, PCOD है, सेक्स के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस है, उसके बाद आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, PCOS है, PCOD है, वुमेंस के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप अपनी डाइट में इसको ले सकते हो। इसको लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखें। सो अगर आपने अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया तो अपनी डाइट में इसको ज़रूर ऐड ऑन करें, इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो इसके। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये हेलिम सीड्स एंड एलिव सीड्स के बारे में पता चल सके। ओके, सो आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके आसपास ना मिलते हों तो। सो थैंक यू सो मच, आने वाली और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बाय, टेक केयर।